बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जो है विवादों के लिए ही जाने जाते हैं। वे बार बार कुछ न कुछ ऐसा बयान देते हैं जिसके कारण समाज में विवाद होता है और उसके बाद फिर आकर के माफ़ी मांग लेते हैं। आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में जो भी नेता है उन सभी का यही आदत है कि बार बार कुछ बोलते हैं और जैसे उस पर विवाद खड़ा होता है, वीडियो वायरल होता है, उसके बाद फिर से आकर के माफ़ी मांग लेते हैं और बोलते हैं कि हमारे बोलने का मकसद कुछ और था, हमारे बयान को जो है तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जीतनराम मांझी ने क्या बयान दिया, इसको आप सुनिएगा और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस विवादित बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद। आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चले अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम लगते दे दीजिए।